Hi friend, this is Dinesh from Kanpur. Today discuss about the anatomy of sperm. So हम बात कर रहे हैं human sperm की anatomy की. तो मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म की एनाटॉमी की. तो पहले स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं. This is the tail part. This is the tail part. This is the acrosome. This is the structure of sperm. हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं. This is the DNA part, sorry mitochondria part. तो अब हम थोड़ा सोच कर रहे हैं. This is the nucleus part. This is the nucleus part and this is the acrosome. Acrosome. This is the acrosome and this is the nucleus part. This is the inner part, acrosomal part. Acrosomal membrane. This is the acrosomal membrane and this is the outer membrane. Plasma. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो दिस इज द रिंग सेंट्रियोल. रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, फाइंड रहता है. रिंग सेंट्रियोल, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस रहता है. इसको अपन कैविटी बोलते हैं या सेंट्रियोल कैविटी.
इसको अपन लोग सेंट्रियोल कैविटी कहते हैं, जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं, इसको कई नाम से भी जाना जाता है। तो अपन के हेड पार्ट हो गया, दिस इज द मिडिल पार्ट, दिस इज द टेल पार्ट, तो दिस इज द यहाँ पे एक छोटा सा पास एरिया पाया जाता है, फैन रहता है। जिसको डिस्टल, ओहो डिस्टल सेंट्रियोल, हॉलो पार्ट, एंड दिस इज द एक्रोसोमल पार्ट, दिस इज द सराउंडेड पार्ट, एक्सियल फिलामेंट, जो ये बीच का पार्ट है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा ब्लैक ब्लैक पार्ट है, पूरा ऑल बॉडी पार्ट, इसको एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, AXIAL एक्सियल फिला, पूरा एक्सियल फिलामेंट पार्ट कहलाता है। जो एक्सियल फिलामेंट पार्ट जो होता है, तो पूरा सराउंडेड रहता है माइटोकांड्रिया से। तो किससे सराउंड रहता है? माइटोकांड्रिया। तो दिस इज द माइटोकांड्रिया, सराउंडेड पार्ट माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया पार्ट और नेवेनकन पार्ट, इसको नेवेनकन पार्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज द माइटोकांड्रिया पार्ट होता है, जो एक्सियल फिलामेंट से सराउंडेड रहता है। अब क्या होता है कि जब इधर से ये फर्स्ट सेल डिवीजन कौन करता है, ये क्या कहते हैं, एक्रोसोम। जब एक्रोसोम एंटर करता है किसी एग पे, फीमेल एग पे जब ये एंटर करता है, तो क्या करता है कि पहले ही एक्सियल फिलामेंट पार्ट अंदर मूव करता है। इसके बाद क्या करता है कि जो एक्सियल फिलामेंट पार्ट होता है, तो वो आगे खींचता है, आगे खींचता है, किसके थ्रू खींचता है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल पाया जाता है, ये जो अपन का सेंट्रियोल है, यार थोड़ा मार्कर की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोई चल नहीं रहा अपने पास, लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, बार बार मार्कर चेंज करना पड़ता है। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल हो गया सेंट्रियोल, ठीक है। तो अपन के पास एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है, इसके पास में, इसके पास से इसके थ्रू जाने के लिए, मतलब आगे मूव करने के लिए, जो एक्सियल फिलामेंट है उसको मूव कराने के लिए यहाँ पे हॉलो पार्ट रहता है, यानी खाली जगह रहती है, वहाँ पे हॉलो पार्ट रहता है, जिसके थ्रू ये एक्सियल फिलामेंट मूव करता है केंद्रक में, न्यूक्लियस में मूव करता है। न्यूक्लियस से क्या होता है कि एक्रोसोम के थ्रू या सबके सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंड करके आगे मूव करती हैं, किसके तरफ मूव करती है, फीमेल एग की तरफ मूव करती है। तो फिर सबसे पहले जो क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वो एंडे को प्रतिच्छेदित करती है, उसको अटैक करती है, उसके ऊपर उसको तोड़ती है, उसके अंदर एंटर करती है। तो दिस इज द
एंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और ये जो माइटोकांड्रिया होता है तो एक्सियल फिलामेंट से सराउंडेड होता है, और इसका जो नेक टेल पार्ट होता है, तो टेल पार्ट जो होता है तो वो बहुत ही थिक, उसकी जो थिकनेस होती है बहुत ही लो हो जाती है आगे को जैसे मूव करते हैं। तो दिस इज द हाई थिकनेस एंड दिस इज द लो थिकनेस। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे थिकनेस कम है, तो आगे जब मूव करेंगे पीछे की तरफ जब मूव करते चले जाएंगे तो थिकनेस कम होती चली जाएगी। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चर, एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म ह्यूमन स्पर्म का एनाटॉमी हो गया। सो इसके बारे में जैसे कि मिडिल पीस हो गया, मिडिल पीस को भी 20 से क्रॉस सेक्शन एरिया से हम काटते हैं, फिर ऊपर से देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, या टेल पार्ट को 20 से काटते हैं फिर अंदर से देखते हैं क्या दिखता है, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा चुका हूँ। सो एक्सियल फिलामेंट फार्मूला, जो एक्सियल फिलामेंट जो है अपन, तो एक्सियल फिलामेंट फार्मूला नाम से एक चैप्टर होता है, एक यूनिट होती है, उसका एक फंडा अलग होता है, उसमें कई क्वेश्चन बड़े बड़े पेपर में पूछते हैं, इंटरेस्ट में पूछा जाता है। तो एक्सियल फिलामेंट फार्मूला से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं अगले वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर पढ़ा तो देख लीजिएगा। सो एक्सियल फिलामेंट फार्मूला की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी ऑफ स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। सो दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।